दोस्तों स्वागत है सोनी एलिमेंट अमरवाड़ा में। आज हमारे पास आई है बिलारो, जिसमें क्लच प्रेशर का काम था। क्लच प्रेशर इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आज हम देखेंगे कि क्लच प्रेशर कैसे चेंज करते हैं। ये अभी मैंने इसका क्लच प्रेशर अलग कर लिया है, गियर बॉक्स उतार लिया था। ये सोनी अलाइनमेंट है सर दोस्तों, ये अभी हम देख रहे हैं प्रॉपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसके बाद हम जो क्लच और प्रेशर साथ में इसके डाया में बिठा रहे हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसको कसने के बाद दोस्तों हम इसमें डिफरेंशियल लगाएंगे। दोस्तों ये रिलीज़ बैरिंग भी ख़राब हो गए थे, नया वाला इसमें हम रिलीज़ बैरिंग डाल रहे हैं। ये पूरा जो क्लच प्रेशर का सेट है महिंद्रा का हम डाल रहे हैं इसमें। कई बार क्या रहता है दोस्तों, यदि दूसरा हम डालते हैं तो सुटेबल नहीं होता है, गाड़ी चल नहीं पाती है। तो कोशिश करें कि जिस प्रकार की गाड़ी है, जैसे महिंद्रा की गाड़ी है, तो महिंद्रा के पार्ट्स डालें। इसको पूरी तरह से अच्छे से कसना है, पूरे नट इसमें देखना है कि कोई स्लिप ना हो, कुछ ना हो। अब इसके बाद दोस्तों इसको पूरा साफ करके प्रॉपर वे में शिफ्टर को इसमें ग्रीस लगाना है, और बैरिंग में ग्रीस लगा के इसको शिफ्ट करना है कि बाद में ये चलने में दिक्कत ना आए। यहाँ से हमने गियर एक्स खोले थे, या गियर नॉब रहती है जिससे गियर अपन लगाते हैं। अभी गियर बॉक्स उतरा हुआ है, मैं एक बार और दिखाता हूँ कि कैसे उतारे थे, कैसे फिट करे हैं। ये गियर बॉक्स की हंडी है, हम इसमें रिलीज बैरिंग लगा चुके हैं और यहाँ क्लच पिस्टन लगा चुके हैं। अब आती है बारी दोस्तों इसको फिट करने की। ये काफ़ी भारी होता है तो उसमें तीन चार आदमी लग जाते हैं फिट करने में। हमने ऊपर तो हमारे लड़के हैं, और हमने रस्से के सपोर्ट से इसको गियर बॉक्स को हैंडल करा है, और इसको हम फिट करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा, अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और नए नए चीज़ें बताते रहूँगा। गियर बॉक्स फिट हो ही गया है दोस्तों। इसके बाद हम इसके जो नट थे गियर बॉक्स के, हम उसको कस लेंगे। दोस्तों एक इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब गियर बॉक्स फिट करें तो माउथ टू माउथ बैठना चाहिए, नहीं तो कई बार उसमें दिक्कत आ जाती है प्रॉपर नहीं बैठने के कारण। ये प्रॉपर कस रहे हैं हम। कसने के बाद देखिए दोस्तों ये गियर नॉब पे ऊपर आ गया है, अभी भी होल्ड है क्योंकि अभी पूरे नट कसे नहीं हैं। अब हमने कस दिए हैं, फिर इसके बाद ये प्रोपलर शाफ्ट जो रहता है उसको हम फिट करेंगे। इसमें दोस्तों ध्यान देना, इसमें एक एरो रहता है, एरो टू एरो बिठाएंगे तो इसमें जो प्ले आएगा वो कम आएगा। जब आप खोलें और कसें तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हमने इसको कस दिया है। इसके बाद सब कंप्लीट होने के बाद हम इसकी गाड़ी चालू करेंगे और ट्रायल करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।